और मैम एक अभी आप बता रही थी कि आप अपने काम को रिवाइज करती देखती मॉडिफिकेशन के लिए अगर एक गीता विश्वास जो उस समय अपने संपादक को हड़का के रखती थी अपने एडिटर हाँ। को अगर अगर मैम ये रोल <laughs> <laughs> ये अच्छा। <फ़प्या। laughs> हाँ। मैम अगर ये रोल संपादक को हड़काने वाला रोल अगर आपको फिर से मिले तो आप, आप क्या मोडिफिकेशन चाहेंगी ये ये आप ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हैं ऐसे लुक क्यों दे रहे हैं उसको क्योंकि उसका सवाल बहुत अच्छा है <laughs> मैं भी जानना चाहता हूँ सब बातों को कैसे अड़काया जाता है सर बहुत हल्का दी नहीं शो में अच्छा और... <laughs> <laughs> ये सब ये जो ये जो ये जो कैरेक्टर है ना मैं मुकेश जी को देख के करती थी <laughs> <laughs> मैं उनसे लेती थी इंस्पिरेशन तो क्या मैं मुकेश सबको हड़का के रखना है मुकेश जी इज like you know on the This set. तो so, मैं <laughs> उन्हीं का किरदार लेती थी जब मैं वो कर रही होती आज आ, आज की आवाज आज की आवाज, आवाज में आज तक आज की आवाज सो <laughs> so, uh, I think अब uh, अगर आप मुझसे पूछो तो I I don't think ये uh, इतना कड़क होने की जरूरत है लेकिन यस yes, uh, रियल uh, लाइफ में भी मैं थोड़ी वैसी हूँ छोटा like. सा पर्सनल सवाल है कि आज सैलरी का मुद्दा उठता है जो टेलीविजन इंडस्ट्री की जो आ, फीमेल आ, एक्टर है उनको सैलरी कम दिया लेकिन आपको उस समय रोल बहुत दमदार था तो मेरी सैलरी तो आप पूछिए ही मत मैं ना बताऊं तो बेटर है किरदार अच्छा था

डिमांड आप जब नए नए आते हो आप क्या डिमांड करोगे आपको अच्छा रोल मिल गया आप you making, आप आप अपना अपने को करना चाह रहे हो पहले तो आप अपने आप को प्रूव करो ना फिर ही आप बोल सकते हो कि मैं इतना लूंगी दस पाँच हजार ही बहुत ज्यादा होता होगा हाँ उतना तो मिल ही जाता था बट <laughs> आप ये भी देखो कि एक एपिसोड चार दिन शूट होता था सो so,